नमस्कार सर। और सबसे पहले तो आपको सर हमारी ओर से और हमारी टीम की ओर से गणतंत्र दिवस की रिपब्लिक डे की बहुत बहुत सर शुभकामनाएं। सर मैं आपसे सीधा सा सवाल यही पूछूंगा कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सर और स्कूलों की तुलना में कैसे अलग है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आज रिपब्लिक डे का धन्यवाद देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो है रांची का एक प्रसिद्ध स्कूल है, अच्छा स्कूल की गिनतियों में आता है। और यहाँ पे जो है एकेडमिक्स के अलावा हम लोग डिसिप्लिन में बच्चों को देखते हैं, बच्चे जो हैं काफ़ी डिसिप्लिन हैं यहाँ के, प्लस रिजल्ट्स वगैरह यहाँ का रांची शहर में अगर देखें तो हमारा पोजीशन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही रहता है। तो ये हम कहना चाहेंगे कि ये अच्छा स्कूल है और यहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बच्चों के साथ काफ़ी हम लोग मेहनत करते हैं और हमारे पास मीडियोकर्स बच्चे आते हैं। मीडियोकर्स इन द सेंस कि जो बच्चे जो टॉप बच्चे होते हैं वो डेफिनेटली DPS या शामली वगैरह में जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो बच्चे रहते हैं बाहर के बच्चे भी होते हैं, शहर के भी बच्चे होते हैं, तो उनको लेकर के हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। और पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, हर जगह गए हैं। NDA आप देख लीजिए, वहाँ बच्चे हमारे गए हैं, IIT में ज्वाइन किए हैं, नीट क्वालिफाई किए हैं काफ़ी बच्चे, BIT मेसरा में हैं, मतलब प्रीमियर जितने इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर द कंट्री वहाँ पे हमारे बच्चे आपको मिलेंगे। प्लस हमारा विशेषता ये है कि हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करते हैं। बच्चे सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, मतलब वैल्यूज़ भी सीखते हैं ताकि वो वैल्यू को अपने लाइफ में आगे उसको ले जाएं और बड़ों का सम्मान करें, अपना एक इमेज बनाएं, अपना एक जगह बनाएं समाज में, लोगों के बीच चर्चित रहें। इस तरह से हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं। ओके सर, जैसे अभी पूरे देश में अलग अलग तरह के आंदोलन होते हैं अलग अलग इश्यूज़ को लेके, तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के जो सिस्टम है, यहाँ का जो सिस्टम है वो समाज में अगर सीधा सीधा बात में कहें तो क्या मैसेज देना चाहता सर? देखिए, अभी तो पेंडेमिक का समय है, पेंडेमिक में काफ़ी कुछ लोगों को सीखने को मिला है, किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करना है। और हम बच्चों को यही इस कठिन दौर में यही सिखाए हैं कि भाई समय एक होता है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है, ये इस समय को अपने हिसाब से अच्छे से निकालना है। ये समय निकल गया और आपने अच्छी तरह से निकाला इस समय को, तो आगे आप बहुत अच्छा करोगे। ओके सर, इस वीडियो में आपके स्टूडेंट भी हो सकता है कि देखेंगे, तो एक लाइन में सबको संबोधित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, लेकिन सर आपके ही विद्यार्थी जो देख रहे हैं या बाहर से जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, खास करके वैसे स्टूडेंट जो 10 में जाते हैं और उसके बाद फिर 10 के बाद 11-12 में, तो काफ़ी किसी चीज़ों को लेकर के, कैरियर को लेकर के परेशान हो जाते हैं, थोड़ा तनाव में आ जाते हैं, उनको सर आप क्या संदेश दीजिएगा? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आपने जो फिक्स किया है, अपने दिमाग में बैठाया है, जो आपका एम है वो अगर आपको नहीं मिले तो निराश नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे स्कोप्स हैं जहाँ पे आपको जगह मिल सकती है, आप अपना पहचान वहाँ बना सकते हैं। इसीलिए ज़िंदगी से कभी हारना नहीं सीखना चाहिए, है ना, कोशिश करना चाहिए, उसमें जूझ करके अपना एक रास्ता बनाइए, अपना रास्ता में आगे बढ़िए और आपको आपका मुकाम जरूर हासिल होगा। ओके सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।